हिंदुस्तान, जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। साथियों, आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि यहां बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट पुंछ के तनवीर हुसैन शाह साहब ने, जो कि आम आदमी पार्टी के यूथ के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे, उन्होंने अपने नौजवान साथियों सहित और वहाँ के कुछ नामी गिनामी सीनियर सियासतदान जो उनके साथी थे, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। वहीं आम आदमी पार्टी के ट्रेड यूनियन सेल के जम्मू कश्मीर यूटी के प्रेसिडेंट श्रीमान सेवा सिंह बाली साहब अपने साथियों सहित आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। मैं श्रीमान सेवा सिंह बाली साहब को निमंत्रण करता हूं कि वो मंच पर आएं और भारतीय जनता पार्टी में इनका स्वागत। चलिए जोरदार तालियों के साथ सेवा सिंह बाली साहब मुबारकबाद के हकदार हैं। बहुत बहुत मुबारक है सेवा सिंह बाली जी, बलवंत सिंह मनकोटिया जी, तालियों के साथ स्वागत। कविंद्र गुप्ता जी और तिलकराज जी, चलिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आपको मुबारकबाद है सेवा सिंह जी को, जो कि एक बड़ी नामी गिनामी हस्ती हैं, ट्रेड यूनियन लीडर के नाते से जाने जाते हैं और एक संघर्षशील नौजवान हैं। मैं श्री सेवा सिंह बाली साहब का भारतीय जनता पार्टी में खैर मकदम करता हूं, इनका मैं वेलकम करता हूं। सेवा सिंह बाली साहब के साथ इनके बहुत सारे साथी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, जो इससे पहले पैंथर्स पार्टी में थे और पैंथर्स पार्टी छोड़ने के बाद ये आम आदमी पार्टी में चले गए। लेकिन जब से श्री बलवंत सिंह मनकोटिया साहब ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, ये तमाम इनके साथी इनके साथ आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। मैं निवेदन करता हूं श्री राजकुमार साहब, अश्विनी कुमार साहब, बाकी के नाम पढ़ेंगे। दर्शन लाल जी आइए, वांदे जलो प्रीत दर्शन लाल जी, आइए तालियों के साथ स्वागत करें। राहुल जी, अब्दुल रशीद जी, सुनील सिंह जी, शकील अहमद जी, प्रेम सिंह जी, सवाई राम जी, धनी राम जी, कुलदीप सिंह जी, बहुत मुबारक, शाबाश अहमद जी, कृष्णा देवी जी, रेलू देवी जी, बड़ी मुबारक, शबीना बानो जी, अंजू देवी जी, चंद्र देवी जी, बढ़िया मुबारक, संतोष जी, मंजू जी आइए, बहुत मुबारक जनाब। लो जी पाऊंगी, इधर देखो तालियों के साथ जोरदार तालियों के साथ स्वागत। चलो एक कविंदर जी इधर आओ जी, लाओ जी, लाओ जी, लाओ जी, इधर आओ जी, लेडीज इधर के पास आंदी है, आंदी है लेडीज, माता बना इन्हें आगे बहुत गले पाओ, शाबाश, आओ ये आओ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बड़ी मुबारक है, तालियों के साथ स्वागत जोरदार तरीके से। क्या बात है जनाब साहब, अब आप सारे नौजवान, चलो माताएं बहने मनकोटिया साहब, बड़ी मुबारक है बहन जी, बड़ी तुम्हें मुबारक जी, बड़ी मुबारक, क्या बात है, लो जी उनको शाबाश, क्या बात, चलो कुछ आगे आ जाए तो ज्यादा। चलिए बहुत अच्छा, जोरदार तालियों के साथ मैं श्री सेवा सिंह बाली साहब और उनके साथ जो उनकी टीम है, राजकुमार साहब, अश्विनी जी, दर्शन जी, प्रीतम जी,
राहुल भगत साहब, अब्दुल रशीद जी, सुनील सिंह जी, शकील जी और हमारी जितनी बहनें माताएं यहाँ आई हैं, जिन्होंने आम आदमी पार्टी को छोड़कर आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, मैं दिल की गहराइयों से इन सभी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए कार्यकर्ताओं का स्वागत करता हूं। और मुझे विश्वास है कि जिस तरीके से सेवा सिंह बाली जी, जो कि आम आदमी पार्टी के जम्मू कश्मीर के ट्रेड यूनियन के प्रेसिडेंट थे और उस पार्टी को छोड़कर आज बीजेपी में शामिल हुए, ये संघर्षशील और जुझारू नेता के नाते जाने जाते हैं। और श्रीमान बलवंत सिंह मनकोटिया साहब के मार्गदर्शन में, उनकी छत्र छाया में, उनके प्रयास से इन सब ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। मैं इन सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं और अब आपके सामने चंद शब्द बाली साहब सेवा सिंह जी रखेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। रविंदर रैना साहब जिंदाबाद, रविंदर रैना साहब जिंदाबाद, रविंदर गुप्ता साहब जिंदाबाद, बलवंत सिंह मनकोटिया साहब जिंदाबाद। जनाब, सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी की सीनियर लीडरशिप का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने आज अपने कार्यालय में हमें मान सम्मान के साथ अपनी पार्टी में शामिल किया। और मैं रैना साहब से, मनकोटिया साहब से, गुप्ता साहब से और सभी बीजेपी के सीनियर लीडरशिप से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि काफ़ी मैं एज ए ट्रेड यूनियन लीडर काफ़ी जम्मू कश्मीर के अंदर काफ़ी काम किया है और कुछ मुद्दे हैं जो मैंने मुनासिब समझा कि जो बरसर इकदार पॉलिटिकल पार्टी है और सबसे बड़ी पार्टी देश की पार्टी है, उसमें हमें जाना चाहिए, जिसमें हमारे लोगों के मुद्दे जो हैं प्रॉपर तरीके से हल करने में आसानी मिले। और आज मैं बताना चाहता हूं कि पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जितना भी हमारा यूनिट है, जितना भी हमारे सपोर्टर हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आने वाले वक्त में वो सारे सभी हमारे साथी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे और पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जितना भी हो सके। और मैं बताना चाहूँगा रैना साहब से कि हमें मनकोटिया साहब हमारे पॉलिटिकल गुरु भी रहे हैं और काफ़ी समय से इनके साथ हमने काम किया है और इन्होंने जिस तरीके से हमें जज्बाती तौर पर पब्लिक के काम करने का जो हमें सबक दिया है, जो आशीर्वाद दिया है, उसको कंटिन्यू आने वाले वक्त में हम भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक सिपाही के रूप में करेंगे। और यही मेरा पैगाम रहेगा और आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर के जितने भी हमारे साथी हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने वाले हैं। बहुत अच्छा, शुक्रिया। मनकोटिया साहब, बस हाँ, नहीं नहीं, हाँ, मैं तमाम उन साथियों का तहे दिल से शुक्रिया करूंगा कि जिन्होंने आज रविंदर रैना जी की और कविंदर गुप्ता जी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। रविंदर रैना जी ने उन सभी साथियों को ये यकीन दिलाया है कि जिन उम्मीदों के साथ वो पार्टी का दामन थाम रहे हैं, पार्टी का दामन थामा है, भारतीय जनता पार्टी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में देश के अंदर सरकार चल रही है, अमित शाह जी की अगुवाई में, तो पार्टी नड्डा जी की अगुवाई में, तो पार्टी उन सभी साथियों की उम्मीदों पे खरा उतरने की पूरी कोशिश करेगी। सईद साहब जो पुंछ से अपने कल आए थे, लिमिटेड अपने जो खास साथी हैं, क्योंकि इनका भी कहना था कि पुंछ से यहाँ आना बहुत मुश्किल है, रहना रुकना पड़ता है, तो इनकी बहुत सी टीम जो है वही पुंछ के अंदर इंतज़ार कर रही है। तो जब अध्यक्ष जी टाइम देंगे तो एक बड़ा प्रोग्राम ये वहाँ करवाने जा रहे हैं। इसी तरीके से रामबन से हमारे बाली साहब, जो सेवा सिंह बाली जी, जिन्होंने अपने साथियों के साथ यहाँ ज्वाइन किया है, तो ये भी एक बड़े प्रोग्राम जो है रामबन के अंदर तो है, लेकिन इनके यूनिट्स क्योंकि ट्रेड यूनियन विंग के जम्मू कश्मीर के आपके इंचार्ज थे, तो इनके भी काफ़ी विंग पूरे स्टेट के अंदर हैं, यूटी के अंदर हैं, तो उनको भी ये पार्टी में शामिल करने का इन्होंने यकीनदानी दिलाई है। तो मैं एक बार फिर से सभी साथियों का
शुक्रिया भी करूंगा और पार्टी की सीनियर लीडरशिप का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने कीमती समय निकाल के इन सभी की हौसला अफजाई की है, इन सभी साथियों की हिम्मत बढ़ाई है और आपकी हिम्मत बढ़ाने से मुझे पूरा भरोसा है कि ये दिन रात मेहनत करके आने वाले समय में जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में अपना अहम रोल अदा करेंगे। बहुत अच्छा, धन्यवाद सर, बहुत बढ़िया। ठीक है।